आज की ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और गिरी का पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को आप बिना भगाए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी जो है रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश भर में लू का आतंक, ओडिशा और बंगाल में रेड अलर्ट हुआ है जारी, बिहार में भी सितम ढाएगी गर्मी। देश भर में बढ़ती गर्मी ने इस समय लोगों का जो है हल्का कर रखा है। कई राज्यों में जो है पारा जो है 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में जो है हीटवेव की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अतिरिक्त अगले 4 दिनों के दौरान जो है बिहार, झारखंड, रॉयल सीमा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में हीटवेव की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। आज और कल 2 दिन केरल और माहे और उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में जो है यहाँ पर मौसम में बदलाव की बात कही गई है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में असम और अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मेघालय, नागालैंड, मणिपुर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। आज और कल 2 दिन तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान जो है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ज्यादातर इलाकों में ये स्थिति जो है वो रहेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। पूर्वोत्तर भारत में छटपुट हल्की वर्षा हो सकती है एक दो स्थानों पर। वह विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। पंजाब के उत्तरी हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है, यानी ओलावृष्टि भी हो सकती है जिससे लोगों को जो है यहाँ पर गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। बात अब राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों करते हैं। सबसे पहले यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में मौसम का डबल अटैक, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश में जो है मौसम का डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो वही दूसरी ओर पश्चिमी यूपी में तेज आंधी और बारिश होने की संभावना जताई गई है। वही बदलते मौसम को लेकर लखनऊ मौसम विभाग केंद्र ने जो पूर्वानुमान जो है वो जारी किया, जिसके मुताबिक 13 जिलों में आंधी बारिश, तो 35 जिलों में हीटवेव को लेकर अलर्ट है। वही उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर लगातार चल रहा है। आज और कल 2 दिन तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़, मथुरा, ज्योतिबा फुले नगर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली में कुछ इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया गया, हल्की बारिश वगैरह हो सकती है। वही 35 जिलों में हीटवेव की भी चेतावनी जारी की गई, इसमें यहाँ पर बहराइच, श्रीवस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर बस्ती समेत मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी समेत कई इलाकों में जो है लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो उत्तर प्रदेश में जो है चेतावनी जारी की गई। उत्तराखंड के 7 जिलों में जो है आज आंधी बारिश से तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल उत्तराखंड में भी जो है आज मौसम बिगड़ने वाला है। बीते कल जो है कुछ इलाकों में हल्की धूप तो कहीं बादल छाने से मौसम सुहाना होने लगा था, लेकिन अब मौसम का मूड जो है बदलता नजर आ रहा है। देहरादून मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में जो है राजधानी देहरादून समेत 7 जनपदों में तेज आंधी के साथ बारिश की बात कही गई है और इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ज्यादातर इलाकों में जो है मौसम में बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। बात करते हैं झारखंड के मौसम की, तो झारखंड में हीटवेव का कहर जारी है। आज भी पारा जो है कई इलाकों में बढ़ने के आसार जताए गए। दरअसल झारखंड में बीते 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन कई इलाकों में तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। वही सबसे ज्यादा तापमान 44.8 डिग्री सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया। वही मौसम के यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी हीटवेव को लेकर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रांची मौसम विभाग के अंदर के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हीटवेव से लोगों को आज सचेत रहने की जरूरत है। अधिकांश जिलों में जबरदस्त लू चलने की चेतावनी है, जिससे लेकर ऑरेंज अलर्ट है। वही कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इस समय लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें लोगों को सावधान रहना होगा। राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान में गर्मी ने अब से अपर तेवर दिखाना शुरू कर दिया। कई शहरों में पारा 40 डिग्री पार हो चुका। दरअसल राजस्थान में अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री पार गया है। कल राजस्थान में सबसे गर्म शहर कोटा रहा, जहाँ पर पारा 41 डिग्री पार गया। हालांकि अभी भी कई ऐसे शहर है जहाँ पर पारा इससे कम यहाँ पर है, लेकिन आगामी दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। 4 तारीख के बाद राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलेगा और कई इलाकों में हल्की बारिश की बात कही गई है।
यह नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा जिसकी वजह से ये मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बात करते हैं बिहार के मौसम की, तो बिहार में भीषण गर्मी और हीटवेव का दौर जारी है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 10 अप्रैल महीने में बारिश न होने से लंबे समय से जो है उत्तर पश्चिमी हवा चलने की से तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस महीने बाकी बचे दिनों में जो है जुझाने वाली गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आज भी बिहार के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यह सिलसिला कई दिनों तक देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है 2 तारीख तक ये सिलसिला मिलेगा देखने को। पटना मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि इस गर्मी और हीटवेव को भूल कर लोग भूल कर भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि दोपहर 2:12 से या फिर 3 बजे से लोग घर बाहर निकलने की गलती ना करें। अगर घर से बाहर निकलने की जरूरत भी पड़े तो पूरा बदन ढक कर निकलें। बिहार जो है कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसमें बिहार के औरंगाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, शेखपुरा, जमुई, बांका, गोपालगंज, खगड़िया में लू चलने की संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, वही बाकी जिलों में हॉट डे रहेगा। हॉट डे की स्थिति को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो ज्यादा इलाकों में जो है स्थिति इसी तरह की यहाँ पर रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाकर यहाँ पर बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना जो है आपको यहाँ पर मौसम से जुड़ी जानकारी रोजाना आपको मिलती रहे। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ये भी बताएं कि वीडियो को आप देख कहाँ से रहें, ताकि रोजाना आपको जो है आपके गाँव शहर की समाचार जो मौसम से जुड़ी जानकारी जो है वो हम आपको बता पाएंगे।